Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So guys, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था what to pack in hospital bag for baby. But आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ what to pack in hospital bag for mothers. Yes, हमें हमारा एक separate hospital bag ready करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें कुछ ऐसे essentials हैं जिसे pack किए बिना आपको hospital नहीं जाना चाहिए तो आपकी delivery बहुत ज़्यादा easy बन जाएगी, hassle free बन जाएगी. तो मैं वो सारी आइटम्स की लिस्ट आपको बताने वाली हूँ क्योंकि कई बार अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो हमें 4 to 5 days तक भी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है जो हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर पाता. और अगर आप ये सारी चीजें पहले से एडवांस में पैक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाने वाला है. राइट नाउ आई एम इन 36 weeks ऑफ माई प्रेगनेंसी. वैसे इस बार मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल बैग जो है वो 7th month तक रेडी कर लेना चाहिए. स्पेशली अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको थोड़ी सी तैयारी जो है वो एडवांस में कर लेनी चाहिए. और लाइक मेरा तो अभी 9th month चल रहा है. मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है. थोड़ी सी चीजें मुझे पता थी, थोड़ी सी चीजें मेरे पास ओल्ड पड़ी हुई थी जो मुझे बाय नहीं करनी थी, तो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस में इस बार पैकिंग नहीं की है. लेकिन आज मैं ये सारी पैकिंग करने वाली हूँ और वन बाय वन मैं बताने वाली हूँ कि क्या सारी इसेंशियल चीजें मैं रख रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर मदर्स. ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैंने ये वाला मीडियम साइज का बैग ले लिया है मेरे लिए. मुझे लगा ये एकदम परफेक्ट साइज है. इसमें बहुत सारी चीजें मैं थोड़ी सी बेबी की भी कंबाइन करूंगी क्योंकि बेबी के लिए मैंने छोटा बैग लिया है तो मेरे लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा बैग लिया है जिसमें मेरी सारी चीजें बहुत कंफर्टेबली आ जाएगी. तो ये वाला साइज का मैंने बैग लिया है. आप भी डिसाइड कर लीजिए आपके लिए कितना बड़ा साइज सफिशियंट है. मुझे ये साइज सफिशियंट लगा तो मैंने ये बैग ले लिया और इसमें मैं सारी अपनी इसेंशियल आइटम्स रखने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट. सो फर्स्ट इन द लिस्ट है वो है आपकी रिपोर्ट और आपकी फाइल. ये रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी मत भूल जाना बिकॉज ये आपको एंड टाइम तक काम आएगी. इससे डॉक्टर पूरा मॉनिटर करेगी कि आपकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है. सारे स्कैन रिपोर्ट इसमें होने चाहिए, सारे आपके टेस्ट के रिपोर्ट इसमें होने चाहिए. तो ये फाइल जो है ये नंबर 1 पे आती है जो कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर रखना है. नेक्स्ट इन द लिस्ट है आपके आईडी प्रूफ जो कि आपको रखना बहुत जरूरी है, जो कि रूम बुकिंग के टाइम पे और दूसरी चीजें भी होती है फॉर्मेलिटीज जिसमें आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे. तो आप अपने आईडी प्रूफ रख लीजिए, अपने आधार कार्ड, लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, व्हाटएवर सो, बट अपने आईडी प्रूफ आपको जरूर रखना है. थर्ड इन द लिस्ट है चार्जर एंड एयरपॉड्स. तो कई बार हम लोग हॉस्पिटल में बोर हो जाते हैं और कई बार लगता है कुछ अच्छा सुन ले तो एयरपॉड्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे. आप कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हैं या फिर आप किसी नियर एंड डियर वन से बात कर सकते हैं जिसे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है. एंड चार्जर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये भी आप अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लीजिए. नेक्स्ट इन द लिस्ट है आपकी मेडिसिन. वैसे मेरी कोई ज्यादा मेडिसिन नहीं है, मेरे सिर्फ प्री नेचुरल विटामिन सी है जो थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी मेरे चले थे. लेकिन अगर आपको कोई लाइक डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी दवाइयां आपको चलती है तो आपको याद से वो सारी दवाइयां रख लेनी है क्योंकि एंड टाइम पे कुछ हेजल होगा, दवाई नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपनी सारी दवाइयां जो है आप उसका सेपरेट बैग बना के अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर रख लीजिए. देन इसके साथ आप अपनी कुछ बुक्स भी रख सकते हैं रीडिंग के लिए. मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ती हूँ लेकिन कई बार जब मुझे थोड़ा सा लो फील होता है, कई बार अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता तो मैं कई बार बुक्स पढ़ती हूँ. तो क्या पता मुझे वहां पे कुछ स्पेयर टाइम मिल जाए बुक्स पढ़ने के लिए, थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए. तो मैं 1-2 बुक्स भी साथ में रख ले रही हूँ. सो नेक्स्ट इन द लिस्ट है मैटरनिटी पैंटीज. क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्टिचेस आते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप कंफर्टेबल मैटरनिटी पैंटीज ही वेयर करें बिकॉज बहुत ज्यादा टाइट पैंटीज आप नहीं पहन पाएंगे इस टाइम पे. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है. तो मैंने ये बहुत ज्यादा थोड़ी सी बड़ी साइज की मैटरनिटी पैंटीज बुलवाई है जिसमें ये बहुत ही चौड़ा बेल्ट है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, कंफर्टेबल फैब्रिक है. फैब्रिक इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा फैब्रिक लें. ये
मैंने अमेजोन से बाय किए, इसके रिव्यूज देखकर मैंने बाय किया था। एंड ये 5 का सेट आया है और ये मैं 5 पैंटीज रखने वाली हूँ अपने हॉस्पिटल बैग में, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं डेफिनेटली आपको लिंक इसकी शेयर कर दूंगी। सो मैटरनिटी पैंटीज के बाद इम्पॉर्टेंट है मैटरनिटी ब्रास भी रखना, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। मैंने ये 6 ब्रास ऑर्डर की है और जो कि पैडेड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, कम्फर्टेबल है, एंड यू कैन सी बिल्कुल फीडिंग ब्रा है ये मैटरनिटी। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था ये इतनी अच्छी आ जाएंगी, और ये इसमें डिफरेंट कलर्स आए हैं, 6 कलर्स हैं इसमें, और थोड़ी सी प्राइजी है, मतलब इतनी भी नहीं है बट थोड़ी सी है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आई है इसकी, तो मैं तो ट्रूली सैटिस्फाइड हूँ। तो मैटरनिटी ब्रा रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप हैजल फ्री ब्रेस्ट फीडिंग करा सके बेबी को। मैंने ये पूरा कवर रखा है मैटरनिटी ब्रा रखने के लिए। ये एक्चुअली मैंने मुंबई से बाय किया था, ये मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया था, इसकी लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरीके से सारी ब्रास पैक हो जाती हैं, उनके पैड्स भी खराब नहीं होते। तो मैटरनिटी ब्रास भी आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। सो यू ऑल कैन सी कितने अच्छे से ये सारी मैटरनिटी ब्रास इसमें पैक हो गई है, बहुत कम स्पेस भी लेगी लगेज में और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखी रहेंगी। सो मैटरनिटी ब्रास के बाद मैंने कुछ और इनरवेयर्स रखे हैं, लाइक मैंने कुछ स्पैगेटी रखी है, तो स्पैगेटी बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो बहुत जरूरी है 1-2 स्पैगेटीज आप रख लीजिए। एंड उसके बाद कुछ शॉर्ट्स मैंने रखे हैं कंफर्टेबल, लाइक ये बहुत लूज है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के हैं, तो कुछ मैंने 2-3 शॉर्ट्स रख लिए हैं उसके बाद, क्योंकि कंफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो आपको हर चीज बहुत ज्यादा लूज रखनी है और बहुत फैब्रिक क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ इस टाइप से स्पोर्ट्स वाली भी ब्रा रखी है, 1-2 लाइक ज्यादा नहीं रखी है बिकॉज मैटरनिटी ब्रा रखी है, बट ये मैंने बिफोर डिलीवरी के लिए रखी है कि कभी इन एनी केस मुझे काम आ जाए, तो कुछ मैंने ये इस टाइप के इनर वेयर्स भी रख लिए हैं। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट है सॉक्स। वैसे तो अभी बहुत ज्यादा ह्यूमिड वेदर हो रहा है, लेकिन मेरी डिलीवरी के टाइम तक बारिश आ जाएगी और डिलीवरी के बाद थोड़ा कवर रहना चाहिए ताकि जो बॉडी है थोड़ी वार्म रहे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे। वैसे ये वुलन के सॉक्स नहीं है, कॉटन के सॉक्स है, बहुत ज्यादा पतले सॉक्स है, ज्यादा मोटे नहीं है, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि हेड टू टो कवर रहना पड़ता है डिलीवरी के बाद, तो सॉक्स रखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं ये कुछ 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स रख रही हूँ अपने लाइक बैग में, और आप भी सॉक्स जरूर रख लीजिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्रेस्ट पैड। ये समटाइम्स क्या होता है ना कि बेबी बहुत छोटा होता है, न्यू बॉर्न होता है, और कुछ मदर्स को बहुत अच्छा मिल्क आने लग जाता है स्टार्टिंग से, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लीकेज हो जाता है और जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इसके लिए ये ब्रेस्ट पैड्स हैं। तो आप अपने ब्रा के अंदर ये ब्रेस्ट पैड्स यूज कर सकते हैं, जिससे आप लीकेज से बच सकते हैं, अपनी ड्रेस खराब होने से भी बचा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, ये लव लैब के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स हैं। आजकल जो है वो वॉशेबल भी आने लग गए, बट मुझे वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगते, तो मैंने ये डिस्पोजेबल वाले लिए हैं। तो आप भी इसे बाय कर लीजिए। मैं हॉस्पिटल बैग में एक ही पैकेट रख रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक क्योंकि ये पैक ऑफ 2 आता है, तो मैंने दोनों एक साथ मंगवा लिए थे कंबाइन करके। सो ये एक घर पर ही रहेगा और एक मैं हॉस्पिटल बैग में रखने वाली हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैटरनिटी पैड्स, और इसकी इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते हैं। तो मैटरनिटी पैड्स जो होते हैं वो उसमें एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, एंड डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है कई बार, और स्पेशली अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो सी सेक्शन में तो कई बार वो क्लीन आउट कर लेते हैं तो इतनी नहीं होती, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मैटरनिटी पैड्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही तो स्पेयर में आप ये नॉर्मल वाले पैड्स भी रख सकते हैं। मुझे ये एक्सल साइज के, ये परी ब्रांड के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगते हैं पैड्स, तो मैं ये वाले रखने वाली हूँ। तो मैं कुछ ये वाले पैड्स रखने वाली हूँ और ये वाला पैकेट रखने वाली हूँ, तो दोनों मैं रख लूंगी और फिर डिपेंड ऑन सिचुएशन की मुझे क्या ज्यादा यूज आता है। उसके बाद नेक्स्ट इन द लिस्ट है टॉवल्स। ऑब्वियसली टॉवल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कुछ नैपकिन्स रख लिए हैं 2-3, लाइक ये तो बहुत ज्यादा काम आएंगे, और पर्सनल नैपकिन्स जैसे हॉस्पिटल में प्रोवाइड होती हैं ये सब चीजें, लेकिन मैं अपनी पर्सनल यूज करना ही पसंद करूंगी। सो मैंने कुछ टॉवल्स और नैपकिन्स रख लिए हैं।
सो नेक्स्ट इन द लिस्ट है ये फीडिंग कवर. लाइक ये बाय करना इतना जरूरी नहीं है फीडिंग पॉन्चू, लेकिन मेरे पास ये मेरी फर्स्ट डिलीवरी से ही पड़ा हुआ था तो मैं इसे रख रही हूँ. लाइक इसको आप ऐसे कवर करके, ऐसे इसको कुछ भी नहीं करना होता, लाइक आपको सिर्फ सिंपली नेक में डालना है इसको और लाइक आप इस तरीके से बेबी को आराम से फीड करा सकते हैं. लाइक इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पूरा सिल्क का है, तो बेबी को बिल्कुल चुभेगा भी नहीं. बाहर से तो जरूर इसमें थोड़े से स्टार लगे लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, तो बेबी को इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी फीड कराने में. तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रख लीजिए. मेरे पास एक्चुअली ये पड़ा हुआ था स्पेयर में तो मैंने रख लिया है. ये फीडिंग पोंचू बोलते हैं इसको और बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल का है. ये मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया, ये मैंने डेली से बाय किया था एक्चुअली, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और कोजी मटेरियल है. सो नेक्स्ट इन द लिस्ट है स्कार्फ एंड बहुत सारी कैप्स वगैरह, बिकॉज कान ईयर्स कवर करना बहुत जरूरी है आफ्टर डिलीवरी. वैसे मैं स्कार्फ पहनने में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैंने ये कुछ कॉटन के कैप्स मंगवाए हैं. ये बहुत ज्यादा कूल और स्टाइलिश भी लगते हैं और बहुत ज्यादा स्मार्ट लगने के साथ ये अपने ईयर्स को भी कवर कर देते हैं. मैं आपको इसको पहन कर दिखा देती हूँ. मैं इस टाइप के कैप्स पहनना ज्यादा प्रेफर करती हूँ. मुझे स्कार्फ थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं लाइक नेक पे, और कई बार इतना मजा नहीं आता इनको लगाने में. तो ये कैप्स जो है ये भी मैंने ऑनलाइन बाय की है, तो इसकी लिंक जो है मैं आपको शेयर कर दूंगी. उसके अलावा मेरे पास एक बहुत ही क्यूट सी कैप पड़ी हुई थी जिसमें भी ईयर कवर हो जाते हैं, तो मैं इस टाइप की एक कैप भी रख रही हूँ. इसमें भी पूरे ईयर अच्छी तरीके से कवर हो गए, आप देख सकते हैं. एंड उसके अलावा मैंने स्कार्फ भी रखे हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे, तो ये इस टाइप के मैंने स्कार्फ भी रखे हैं. ये जो है बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक के हैं, तो इस तरीके से आप आफ्टर डिलीवरी बांध सकते हैं. ये भी क्यूट है वैसे. तो कान कवर करना है आपको, अल्टीमेटली हवा नहीं जानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं. अदरवाइज बहुत ज्यादा हेडेक होता है अगर आप ईयर कवर नहीं करते. आप कॉटन भी डाल सकते हैं अपने ईयर में. एंड उसके अलावा मैंने एक दो ये कॉटन के स्कार्फ भी रख लिए हैं. ये बहुत प्योर कॉटन के हैं, लाइक ये कवर करने में भी काम आएंगे, लाइक जब फीडिंग कराएंगे. उसके अलावा भी लाइक 2-3 मैंने स्पेयर में ऐसे कॉटन के स्कार्फ रख लिए हैं, क्योंकि ये कॉटन के स्कार्फ है ना, ये तो स्पेयर में रख ही लेना चाहिए, बिकॉज ये एज अ दुपट्टा भी काम आ जाते हैं कई बार, कवर अप करने के लिए भी काम आ जाते हैं. तो मैं ऐसे 3-4 कॉटन के स्कार्फ रख रही हूँ. इट्स स्कार्फ कम दुपट्टा एंड इट्स प्योर कॉटन. ये मतलब मल्टीपर्पज यूज के लिए मेरे लिए यूज आएंगे, तो मैंने ये 3-4 इस तरीके से रख लिए स्कार्फ. इसके अलावा मैंने रखी है मैटरनिटी ड्रेस. वैसे तो हॉस्पिटल मेरा मदरहुड में डिलीवरी हुई थी फर्स्ट भी, और सेकंड भी मेरी वहीं पर हो रही है, मेरा पूरा वहीं पर चल रहा है ट्रीटमेंट. तो मैंने ये मैटरनिटी ड्रेस मंगवाई है फ्रॉम अमेजोन. आप देख सकते हैं इसमें इधर चेन है, तो इसमें फीडिंग कराने में बहुत ईजी हो जाएगा. सो यहाँ पर ये फीडिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है, प्रॉपर पॉकेट टाइप दिया हुआ है, और ये बहुत ही कूल क्यूट सी ड्रेस लगी थी मुझे, तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवा ली. इसकी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी. एंड इसके अलावा मैंने ये कुछ और ये बटन वाले क्यूट से नाइटीज मंगवाई थी. ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, आप देख सकते हैं इसमें बी बनी हुई है, हनी बी. एंड इसके अलावा वन मोर. सो वैसे तो पूरे टाइम वहाँ पर जो है मदरहुड के गाउन में ही रहना होता है, बट स्टिल मैंने 2-3 रख लिए हैं. लाइक 2-3 ड्रेसेस तो आपको रख लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं रखना है, बिकॉज वहाँ अगर आपका हॉस्पिटल आपको गाउन प्रोवाइड कर रहा है मैटरनिटी, तो आई डोंट थिंक कि आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. वहीं का गाउन आपको पहनना रहेगा, और अगर फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप 2-3 रख लीजिए ताकि आप अपने भी पहन सकें. इसके अलावा मैंने रखी है मैटरनिटी पैंट. ये मैंने थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी भी पहनी थी, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और कोजी मटेरियल है इसका. ये मैंने एक नियर बाय शॉप से ही बाय किया, लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. तो मैटरनिटी पैंट अब मैंने तो प्रेगनेंसी में ही इसे बाय कर लिया था, लेकिन अब मैं इसे हॉस्पिटल बैग में भी रख रही हूँ. एंड उसके अलावा मैंने ये बहुत ही कंफर्टेबल और क्यूट सा नाइट सूट है मेरा. मुझे बहुत ही कोजी लगता है ये, और बहुत क्यूट भी लगता है. तो कभी मेरा मन करेगा कि थोड़ा सा क्यूट कुछ पहनना है और थोड़ा सा अपने मूड को बूस्टअप करना है आफ्टर डिलीवरी, तो मैं ये भी पहन सकती हूँ. बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और कोजी है ये. सो ये भी मैंने एक रख लिया है. एंड उसके अलावा मैंने रखे हैं 1 टी शर्ट एंड 2 लूज पजामाज. ये M&S के हैं और बहुत ही कंफर्टेबल और कोजी मटेरियल है. तो मैंने पजामा टी शर्ट भी रख ली, ज़्यादा नहीं रखे, 1 टी शर्ट एंड 2 पजामाज ही रखे हैं. कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो थोड़े से मैंने ज़्यादा ही पैकिंग करी है, बिकॉज वहाँ पर मेरे पास कोई होगा नहीं कुछ देने के लिए, या फिर घर पे मैं कुछ बताऊँगी तो समझ नहीं आएगा एकदम से कि लाना क्या है. तो
पहले से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें रख लें अपने कंफर्ट के हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी चीज आपकी आपको जरूरत नहीं है तो आप थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं चीजों को। एंड देन उसके बाद मैंने रखी एक होम कमिंग ड्रेस। सो ये मैंने क्यूट सी होम कमिंग ड्रेस है जो मैंने रखी है। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगी मुझे और ये सबसे अच्छी बात इसकी प्योर कॉटन की है और बहुत कंफर्टेबल है। हम ऐसी कोई ड्रेस नहीं पहन सकते ना जो बेबी को चुभे और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है उनकी स्किन, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि बेबी भी इसमें कंफर्टेबल रहेगा जब मैं इसे पहनूंगी। तो ये मैंने एक होम कमिंग ड्रेस रखी है। उसके बाद मैंने रखा है हीटिंग पैड, तो ड्यूरिंग लेबर भी इसकी जरूरत पड़ सकती है और या फिर कुछ भी लाइक हीटिंग पैड तो बहुत ज्यादा काम आता है तो मैंने एक ये रख लिया है। वैसे हॉस्पिटल में भी कई बार मिल जाता है लेकिन फिर भी कभी नहीं मिला तो इसलिए मैंने तो हीटिंग पैड भी रख लिया है। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट है डिस्पोजेबल बैग। ये बेबी के डायपर डिस्पोज करने में भी काम आएगा और मुझे भी ये काम आने वाला है। सो ये मैंने बेबी के बैग में भी रखा है और मैं मेरे बैग में भी रख रही हूँ। वैसे तो हॉस्पिटल में मिलते हैं बट स्टिल मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हर चीज मैं प्रॉपरली डिस्पोज करूँ, इस तरीके से ओपनली डस्टबिन में फेंकना नहीं अच्छा लगता है, तो डिस्पोजेबल बैग रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैंने रखी है टॉयलेट्रीज और उसमें तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें हैं जो कि बहुत काम आने वाली है हॉस्पिटल में। तो आप भी चाहें तो ये सारी चीजों की लिस्ट बना सकते हैं। लाइक मैंने कोम्ब रखा है, सैनिटाइजर रखा है, हेयर टाइज रखे हैं, एंड देन मैंने रखा है कपड़े धोने का साबुन वॉशिंग सोप, उसके बाद मैंने ब्रश एंड टूथपेस्ट रखा है, देन मैंने सोप रखा है नहाने का, एंड देन उसके बाद मैंने बोरो प्लस रखी है, कोकोनट ऑयल रखा है, मैंने सबके बहुत छोटे छोटे पैक्स रखे हैं, एंड देन उसके बाद मैंने कॉटन्स रखी है, सनस्क्रीन रखा है, शैम्पू एंड कंडीशनर रखा है। मैंने छोटे छोटे पैक्स रखे क्योंकि ज़्यादा एकदम से सर धोने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैंने पाउचेस ही रख लिए, एंड उसके बाद फेस वॉश रखा है, देन मेरा पूरा स्किन केयर मैंने रखा है, लाइक सिरम है, मेरा टोनर है और मेरा मॉइस्चराइजर है, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन तो ऑलरेडी आपको बता दिया, बॉडी लोशन है, बॉडी वॉश रखा है मैंने, उसके बाद मिरर रखा है एक छोटा सा बिकॉज रेडी होने में काम आएगा, कई बार उठने में प्रॉब्लम होती है तो बेड पे बैठे बैठे रेडी हो सकते हैं, देन लिप बाम रखा है मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पर ना स्ट्रेप्सल्स भी रखी है बिकॉज लेबर के टाइम पे कई बार बहुत ज़्यादा गला सूखता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो स्ट्रेप्सल्स खाने से काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता है। आप च्युइंगम भी चबा सकते हैं ड्यूरिंग लेबर, इट्स रियली रियली वेरी बेनिफिशियल, बहुत आपको आराम मिलेगा। तो ये तो पूरी टॉयलेट्रीज की लिस्ट है, तो ये मेरे सारे इसेंशियल्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन हॉस्पिटल, और मैंने सबके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पैक रखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पैक नहीं रखे हैं। ये बहुत इजीली आपको देखा कितनी बड़ी लिस्ट थी, बस इतने से बैग में सब आ गए बिकॉज बहुत छोटे छोटे मैंने आइटम्स रखे हैं, और आइटम की लिस्ट जो है मैं ये साइड में भी शेयर करूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। बट अगर आपको लगता है आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप इसको थोड़ा लिमिट कर सकते हैं। मैं तो वहाँ पर भी पूरा तैयार के रहने वाली हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट जो मैंने रखा है वो है मेकअप किट। तो मैंने पूरा मेकअप भी मेरा रखा है, लाइक मेकअप में मैंने रखा है लाइक मेरा मैंने बीबी क्रीम रखी है, मैं फाउंडेशन नहीं लगा पाऊंगी वहां पे, इतना तो टाइम नहीं होगा, ब्लेंडर रखा है मैंने, उसके बाद ये टिंट है लिप और चीक का, उसके बाद सेटिंग पाउडर रखा है मैंने, लिपस्टिक रखी है एंड मस्कारा रखा है। तो मुझे तो रेडी होने का बहुत शौक है तो जब मैं घर आऊँगी बेबी को लेके तो मैं पूरा रेडी होके आऊँगी, तो मैंने पूरा मेकअप भी मेरा रख लिया है, ज़्यादा मेकअप नहीं रखा है, बेसिक रखा है बट सारा मेकअप रख लिया है। तो ये मेरी टॉयलेटरी किट और एक है मेकअप किट। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग पिलो, क्योंकि हमें स्ट्रेचेस आते हैं तो बेंड होने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग पिलो से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बेबी को फीड कराना। ये मैंने ऑनलाइन बाय किया था, मैंने इवान के टाइम पे ही बाय कर लिया था, तो उसको 4 ईयर्स हो गए मेरे पास रखा हुआ था, तो ये भी मैं रख रही हूँ ताकि हॉस्पिटल में मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाए, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल पिलो पे ही बेबी को फीड करा सकते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके, बट आप इसे भी बाय कर सकते हैं। एंड लाइक ये मैंने एक्चुअली किसी का देखा था तो मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था तो मैं रख रही हूँ, आई डोंट नो काम आएगा या नहीं, बट ये है हैंड हेल्ड फैन, जो कि ऐसा कहता है कि लेबर के टाइम में आपको बहुत गर्मी लगती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है तो फेस पे कोई आपको हवा करे,
तो मैंने ये रख लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी इवान का रखा हुआ था, ये इवान का टॉय है एक्चुअली, लेकिन मुझे लगा कि रख लेती हूँ, एक बार ट्राई करके देख लूँगी अगर किसी ने रिकमेंड किया है तो. तो एक्चुअली ये मैंने किसी और के रिकमेंडेशन पे रखा है. तो हैंड हेल्ड फैन अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो. जो चीज़ है वो भी एक्चुअली ऑप्शनल है, ये है हैंड हेल्ड जेट. तो कई बार ये काम आता है, कई बार क्या हमें स्टिचेस आते हैं और हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वाटर नहीं लगाना होता है, तो वो वाले जेट जो बाथरूम के होते हैं वो कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वॉश करने में. तो ये मेरे पास पड़ा था रिसेंटली यूरोप ट्रिप पे मैं गई थी जब मैंने ये लिया था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसे रख लेते हैं, कभी काम आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो ठीक है. आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रख सकते हैं आप ये इजीली, क्या पता कौन सी चीज कब काम आ जाए. तो मैंने भी ये रख लिया है, ये भी हैंड हेल्ड जेट है, वाटर जेट. तो इसमें फिल कर लेते हैं वाटर और बहुत इजी हो जाता है लाइक वॉश करना. तो ये भी मैंने रख लिया है. नेक्स्ट इन द लिस्ट है ब्रेस्ट पंप. यस, कई बार हमें जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल्क आता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप पंप कर लीजिए, बॉटल में रख लीजिए ताकि आपकी ड्रेस जो है वो ख़राब ना हो. और कई बार वहाँ पे लाइक पस पड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर लाइक वहाँ पे मिल्क, और कई बार गठान भी हो जाती है इन दैट केस. तो कई बार डॉक्टर रिकमेंड करती है कि ज़्यादा दूध आ रहा है, बेबी नहीं पी पा रहा है इतना, तो आप जो है उसे पंप कर लीजिए. तो ब्रेस्ट पंप भी आप एडवांस में बाय कर लीजिए. अगर हॉस्पिटल में नहीं भी नीड लगी तो आपको बाद में इसकी नीड लगेगी. तो ब्रेस्ट पंप भी मैं अपने हॉस्पिटल बैग में रख रही हूँ. तो गाइज ऑलमोस्ट माय लिस्ट इज डन, लेकिन आपको अपनी वाटर बॉटल रखनी है पर्सनलाइज, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यास लगती है ड्यूरिंग लेबर. और जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे, जितना आप पानी पियेंगे उतना आपका सर्विक्स इजिली ओपन होगा. पानी तो आप थ्रू आउट दी लेबर पीते ही रहिएगा, गले को सूखने मत देना, और बहुत ज्यादा गला भी सूखता है. और जितना आप पानी पियेंगे उतना आपका लेबर इजी हो जाएगा. तो आप पानी की बॉटल रख लीजिए, आप कुछ स्नैक्स रख लीजिए आपको जो मंचिंग करने का मन करे और जिससे आपका थोड़ा मूड बूस्ट हो जाए, ऐसी चीजें आप कुछ खाने के लिए रख सकते हैं. एंड देन उसके बाद आपको थर्मस रखनी है, कभी चाय वगैरह पीना हो गरम और उसके लिए तो थर्मस की बॉटल भी एक रख लीजिए, वाटर बॉटल रख लीजिए, और कुछ अपने फेवरेट स्नैक्स भी रख लीजिए. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप चाहें तो अपने बैग में अपने हस्बैंड के भी 2-3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स पैक कर सकते हैं, बिकॉज आपके हस्बैंड को भी आपके साथ वहीं पर ही रहना है और स्टे करना है हॉस्पिटल में, या फिर आपकी मदर इन लॉ आपके साथ स्टे कर रही है तो आप उनकी भी पैकिंग के लिए उनको इंटीमेट कर लीजिए एडवांस में. मेरे साथ मेरा 4-year-old बेबी भी है, तो कई बार वो मेरे बिना तो सोता नहीं है, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं उसके भी 2-3 पेयर ऑफ क्लोथ्स मेरे बैग में पैक करने वाली हूँ, बिकॉज यू नेवर नो अगर वो वहीं रुक गया तो फिर मुझे उसे भी वहीं रेडी करवाना होगा, उसके कपड़ों की भी नीड पड़ सकती है. तो अपने हस्बैंड के, अपने बेबी के, या फिर जो भी आपके साथ रुक रहे हैं आपके फ्रेंड फैमिली व्हाटएवर, तो उनके भी कपड़े आपको रखने हैं. ओके, सो लास्ट चीज है जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा डायरी और पेन. लाइक मुझे लिखने का बहुत ज्यादा शौक है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हूँ, और मैं इतना अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हूँ तभी मैं आप सभी के लिए वीडियोस बना पाती हूँ, क्योंकि कई बार एट द मोमेंट आपको चीजें याद रहती है, कई बार नहीं रहती है. तो आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंसेस मैं ये डायरी और पेन रखने वाली हूँ, और अगर मुझे थोड़ा भी स्पेयर टाइम मिला तो मैं कुछ मोमेंट्स इसमें लिखने वाली हूँ. तो अगर आपको भी लिखने का शौक है, राइटिंग का शौक है, तो आप एक डायरी और पेन लिख लीजिए ताकि आप अपने स्पेशल मोमेंट्स का टाइम और एवरीथिंग आप थोड़ा सा लिख सके और आपको अच्छा लगेगा. सो मैं एक डायरी पेन भी रख रही हूँ. तो ये तो थी मेरी पूरी लिस्ट, व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर डिलीवरी फॉर मदर्स. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा मदर्स को हेल्प हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोज मैं आप सभी के लिए लाती रहूंगी. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सब वीडियोज को बनाने में और टाइम भी लगता है, एंड आई ऑलरेडी हैव अ 4-year-old बेबी, तो उसका भी सब मैनेज करना और वीडियोज बनाना उसमें थोड़ी मेहनत लगती है. लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा शेयर करेंगे तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.